हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गाइडली। जल्दी से बता दें, वॉइस क्लियर है या नहीं? आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं आपको जून फर्स्ट वीक का यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? और बताऊंगी भी कैसे आपको करना है। देखो, 6 मंथ तो हमारा रहता ही है आपका कवर करने का, ओके? तो बहुत सारे डाउट्स ये भी आ रहे थे कि मैम हम मंथली जीए को कैसे कवर करें या वीकली करें, या फिर हमें क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए मेन पॉइंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ओके? तो देखो क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं आपके, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है? अब जैसे क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, ऐसा भी पेपर होता है जिसमें आपका आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे आप बोलते हो, या फिर हम कहते हैं कि ऐसा दिमाग में रहता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे बन गया, ओके? तो वो भी रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ओके? और ये आप तब कर पाओगे जब आप थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ोगे, ठीक है? दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आज की क्लास देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि मैंने, जैसे आप एक एस्पिरेंट हो तो आपके पास पीडीएफ होती है। आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स क्या कराते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है ताकि वो लास्ट में ये बोल सके कि सारे क्वेश्चन हमारे वेबसाइट से आए थे। और उतना स्टूडेंट के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, बिकॉज कोई आईएएस पीसीएस की तो तैयारी हो नहीं रही, या फिर आरबीआई ग्रेड बी की बहुत डीपली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो एक एवरेज स्टूडेंट का होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब आप मेरी एक बात सुनो। यहाँ पर आरआरबी पीओ जिनका भी मेंस का एग्जाम है, इनको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, और बाकी एसबीआई मेंस, तो इसमें मेरी एक बात यहाँ पर ये सुन लो आप लोग कि इसमें आपका स्कीम्स पूछी जाती हैं। इवन एसबीआई में भी आने वाला है, तो स्कीम्स जो भी आपका कुछ चेंज हुआ हो किसी स्कीम में, कब बनी, क्या एज है, क्या उसकी लिमिट है, हर एक चीज अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? अब आरआरबी है तो इसमें आपका केसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आरआरबी से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है? कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपका न्यूज में रहा हो, इसको जरूर पढ़िएगा। स्कीम्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठाओ, आप करंट में अभी बहुत सारे टीचर्स करवा रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है? इतना तो सर्च करना सबको आता ही आता है, तो मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या, अब 3 प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने बोला कि वेरी गुड अगर आप कर पा रहे हो, बट पहले एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, एक प्लेटफॉर्म को करिए उसको अच्छे से। ये नहीं कि 4 जगह से कर रहे हो और 1 महीना भी ढंग से आप खत्म नहीं कर पाए हो। पहले एक को अच्छे से करना है, देन आप उसका रिवीजन जो होता है ना, कभी भी आपने पीडीएफ से पढ़ा, रिवीजन हमेशा उसका करिए क्विज फॉर्मेट में। क्विजेस आपको डिफरेंट वेबसाइट पर फ्री में भी मिल जाती हैं, हमारी जीए स्मार्ट क्विज है, इसमें तो जो क्वेश्चन है इसके बाद तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने लगभग सारे कवर करे हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट जो आपके फॉर्मेशन होते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने कवर करे हैं, ठीक है? अब देखो, स्टैटिक अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? आप करंट जो पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड स्टैटिक पढ़ते जाओ, बाकी आपकी किस्मत, या फिर आपके पास बहुत टाइम है तो अलग से आप कैप्सूल या कुछ भी उठा के देख सकते हो। एयरपोर्ट्स हो गए आपके, या फिर आपकी रिवर्स हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, ये आप कर सकते हो, ठीक? तो ये बात होगी। अब देखो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, वो मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये कि आप लोग को क्या, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आप पीडीएफ्स लेते हो, आपके पास मिल गया आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अब समझ में नहीं आ रहा सारे पढ़े, इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा फोकस करने वाला है, जिसके बारे में आपको डीप में पता होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हाँ है वही है, बस एक बार पढ़ लो कि हाँ हमारी नजर के सामने से गुजर गया, बस इतना करना है। वीकली कोशिश करो, लास्ट के 4 मंथ्स आपको वीकली करने ही करने हैं, ठीक है? लास्ट के 4 मंथ्स, इसके बाद आपके जो लास्ट के, जैसे 6 महीने की पूरी बोलते हैं ना कि 6 मंथ्स की जीएमए पूरी करनी है, तो 4 मंथ्स आप वीकली करो, तो 1 मंथ में आपके 4 हफ्ते तो होते ही होते हैं, तो उनको आप वीकली कवर कर लो। बाकी जो लास्ट के 6 मंथ्स है, इसमें आप बेस्ट करंट अफेयर्स देख सकते हो, लास्ट के 2 मंथ्स जो होते हैं उनमें आप बेस्ट करंट अफेयर्स देख लो, ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ना छूटने पाए, वो सारे करवा देते हैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताओ, मैंने अपने भी कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है? वो थोड़ा डीप में है बट हम लोग करते चलेंगे, अगर कुछ ऐड ऑन होगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है? अरे लो, आंसर ही पता लग गया है,
पहले का, ये तो सबको ही पता होगा, सीआईआई के बने हैं टीवी नरेंद्रन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। अब ये पहले किसमें थे ये पता होना चाहिए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हमारे लिए यहाँ बनते हैं कि सीआईआई का पहले देख लो फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिससे आप सब अवेयर हो गए, ये न्यूज में बहुत ज्यादा आपका रहता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इनका ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, ये पहले क्या थे, पहले एमडी थे टाटा स्टील के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने किसको यहाँ रिप्लेस किया, उदय कोटक, जो क्या थे, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये हाइलाइट्स हैं, पीडीएफ मैं इसकी देने की कोशिश करूंगी, पीडीएफ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे उनकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, टीवी नरेंद्र, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे बताइए, मुझे बताओ 1 जून को कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं, और इसका आंसर हो। हाँ, पवन आपके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं, वेरी गुड राहुल, ओके। अब इसे देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जून, ठीक है। तो हर साल ये 4 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही आपकी 2021 में, ये पूछा है। तो इसकी जो थीम है वो क्या है बताओ, सी डी, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रेन, सी है, ओके, हो सकता है, मुझे भी कुछ लग रहा है, जीरो वायलेंस आपका यहाँ पर थीम जो है इसकी क्या है, स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रेन, ठीक है। तो देख लेना, सी नहीं है आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रेन। लगता है ना कुछ ऐसा टारगेट होता है तो यही वाला आंसर करेक्ट होता है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यस, 1 जून को आपका ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। कोई बताएगा नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है आपका, नेशनल मिल्क डे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मेरा दुश्मन है। नेशनल मिल्क डे ये भी याद कर लो आप, ये आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ओके, इसे ध्यान रखो। और एक क्वेश्चन और बनता है, 31 मई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस दिन आपका क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इसकी थीम आपकी क्या है, इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। कैंपेन चलाया गया था इस दिन, एक कमिट टू क्विट, ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं क्या आगे, इतना हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूएन ने डिसाइड किया था 1982 से कि इस डे को मनाया जाएगा, कब आपको डेट दे दी, 4 जून को मनाया जाएगा, बस इतना ध्यान रखो और थीम याद रखो, इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शुरू में मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। डेट वाले देखो, पढ़ते रहोगे ना जब डेली तो चेतन आपको याद होने लगेंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, बिल्कुल राहुल, तबैको पर हर्षवर्धन जी को अवार्ड मिला है, और आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। इन जून 2021 विच कंट्री बिकेम द 11th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड, ओके, आर्टेमिस अकॉर्ड, अ ब्लू प्रिंट और स्पेस कॉरपोरेशन विद नासा। तो किसको यहाँ पर 11th सिग्नेटरी या फिर जिसने हस्ताक्षर किए हैं, कौन सा ऐसा देश है जो आपका बन गया है, तो इसका जो नाम है वो है आपका न्यूजीलैंड। तो ये 11th है जिसने यहाँ पर इस बार साइन किया है, इसराइल आई थिंक पहले से है। तो ये सारे आपके जो कंट्रीज थी ये पहले से थी। अब इसको देख लेते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, आर्टेमिस अकॉर्ड, अ ब्लूप्रिंट फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन एंड सपोर्टिंग द यूएस स्पेस एजेंसीज प्लान टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून बाय 2024 एंड टू लॉन्च अ ह्यूमन मिशन टू मार्स, ओके। अब यहाँ पर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ये वाली लाइन है थोड़ा सा, बिकॉज ये थोड़ा सा न्यू है, पिछले जितने भी लोगों ने साइन किया है उनके नाम है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इटली ऑलरेडी पहले से है, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूक्रेन, ब्राजील ऑल्सो सेड इट टू प्लान्स टू इट, ओके, इसने भी कहा है कि ये इसको साइन करेगा, बट अभी जो फाइनली है वो कौन है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के पीएम मुझे बताइए कौन है, बिल्कुल वेरी गुड चेतन, जसिंदा आर्डर्न, फॉर्च्यून टॉपर, बिल्कुल वेरी गुड, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको पता है मुझे बताओ, मैं मुझे जो पता होगी मैं बताऊंगी। ये क्वेश्चन बताइए क्या है, अब मुझे बताओ 3 जून को क्या मनाया जाता है, बीच बीच में मैं पूछती रहूंगी आपसे,
ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। इसके बाद क्या बचता है? फटाफट आंसर करते रहिए। अभी से देखो, इन जून 3 जून को बताना क्या मनाया जाता है, इसको देखते हैं। इन जून 2021 एयर मार्शल बल्लभ राधा कृष्ण वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एट द वेस्टर्न कमांड इन दिल्ली। ही सक्सीडेड हुम अमंग द फॉलोइंग। इन्होंने किसको यहाँ पर, किसका उत्तराधिकारी हुआ है या किसको रिप्लेस किया, बताओ जल्दी से। सी ओके, विवेक राम चौधरी, देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा विवेक राम चौधरी। बिल्कुल 3 जून को जो आपका मनाया जाता है वो है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। बस यहाँ पर थीम वीम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए 3 जून को क्या मनाया जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपके लिए नेशनल मिल्क डे बनता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनता है, और आपका वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड नो टेबैको डे, ये सारे डेज इम्पोर्टेंट बनते हैं। ओके, विवेक राम चौधरी, इनका नाम आप याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, और यहाँ पर कुछ है ऐसा जानने लायक? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस बाकी चलते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर पक्का है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये आपको। स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ हैं जून में जो आपके लिए फर्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031 to 32। तो अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बनता है, एक तो ये बनता है, पूछ सकता है कि इन्होंने क्या रेंज रखी है आपके ईयर की। तो 2031 से 32 तक आपको याद रखना है किसके एस्पेक्ट में, ये है आपका कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। किस बैंक ने अनाउंस किया है, तो ये आपका HDFC ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को इन्होंने क्या, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आपकी HDFC है, अनाउंस किया है क्या कि कार्बन न्यूट्रल होगी 2031 से 32 तक, ठीक है। तो इन्होंने ये यहाँ पर एक टारगेट रखा है। तो सन याद रखो, बैंक का नेम याद रखो, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके गेम से रिलेटेड, जिनको आप लोग जनरली छोड़ देते हो, कभी कभी वो एग्जाम का पॉइंट आपका बन जाता है, ठीक है। हाँ, बुक का को ऑथर पूछ लेता है आजकल, बिल्कुल। बट वो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसने कोई बुक लिखी, तो उसको ऑब्वियसली एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो नॉर्मली लिखता तो वही है सारा, तो बहुत ही कोई फेमस हुई तो उसका पूछ लेगा आपसे। अब यहाँ पर बोला है काइले जेमिनसन वॉज अवॉर्डेड द 2021 वर्जन ऑफ गेमर्स कैप, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, ये आपका न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इस पूरे पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। बाकी बिलोंग कहाँ से करते हैं, न्यूजीलैंड से। गेमर्स कैप इन्होंने जीता 2021 का। ओके, बस इतना बहुत है, यहाँ पर आगे चलते हैं। हाउ मैनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च बाय वन वेब इन कोलेबोरेशन विद यूके गवर्नमेंट फ्रॉम रशियन स्पेस पोर्ट। तो इस तरह से नंबर में भी आपसे क्वेश्चन डेटा पूछ लेता है, बट एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन रेयर आपको इस तरह के मिलेंगे, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, ठीक है, पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स, तो कई उपग्रहों वन वेब द्वारा शुरू किया गया है कोलेबोरेशन में रूस से ब्रिटेन सरकार के साथ। हिंदी एकदम गलत लिखी हुई है इसकी। ओके, तो इंग्लिश में देख लो, 36 है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। 36 सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय वन वेब इन कोलेबोरेशन विद कौन सी गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने किया, यूके गवर्नमेंट फ्रॉम रशियन स्पेस पोर्ट। ओके, अब ये हो गया। यहाँ पर और कुछ है यहाँ पर ऐसा पढ़ने लायक, बिल्कुल नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी, पढ़ लें। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपका थोड़ा सा उनसे रिलेटेड है, मजदूरों से थोड़ा बहुत। ट्वेंटी फोर नहीं, 36 है आंसर। ओके, नेम द ऑथर एंड फिल्म मेकर हु हैज कम अप विद अ न्यू बुक टाइटल
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इन मे 2021। तो इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है आपकी, विनोद कापरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पढ़ के आना था आप लोगों को, वैसे तो मैं बता ही रही हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगी, विनोद कापरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है बिकॉज ये इस बुक का थोड़ा मीन है अपने लिए, क्योंकि ये जर्नी आपको बता रही है किसकी, 7 माइग्रेंट वर्कर्स की फ्रॉम बिहार, जो बिहार के हैं, हु जर्नीड बैक होम ऑन दियर बाइसिकल एंड रीच दियर डेस्टिनेशन आफ्टर 7 डेज। द बुक इज पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस। तो एक बार पढ़ लो, ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अगर याद रहेगा तो आप ऑप्शन में इसको देख लोगे। तो ये थे 7 माइग्रेंट वर्कर्स जिनके नाम दिए रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप, मुकेश एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, फ्रॉम गाजियाबाद टू इन उत्तर प्रदेश टू सहरसा इन बिहार। नेक्स्ट, ये डे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है क्यों है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, पहले इसका बताओ। वर्ल्ड वेब डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 30th मे अक्रॉस द ग्लोब। व्हेन डिड इट फर्स्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब अस्तित्व में आया था बताएं। तो ये आपका आया था 2012 में। अब देखो, ये आपका जो मनाया जाता है एक दिन पहले मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टबैको डे। तो ये आपका होता है, ऐसे याद रख लो, 31 मई को। तो 30 मई को होता है आपका वर्ल्ड वेब डे। ओके, ये क्या है, आपको अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि लोगों में जागरूकता बने किसके लिए, स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स के लिए, द बेटर चॉइस टू कम्बस्टाइल सिगरेट्स विच आर लिंक टू मोर देन 8 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स ईच। यार आपको भी पता है कि यहाँ पर स्मोकिंग एंड इन सारी चीजों से, टबैको से कितनी ज्यादा डेथ्स हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। तो उसके लिए, एक अवेयरनेस के लिए, रेस करने के लिए वर्ल्ड वेब डे आपका मनाया जा रहा है। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2012 ऑन वेरियस डेट्स। ओके, अब ये आपका मनाया जाएगा कब, 2021 से। द डे विल बी सेलिब्रेटेड 1 डे बिफोर वर्ल्ड नो टबैको डे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत इजी है, आपको पता ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मली न्यूज में भी बहुत रहा था, थोड़ा बहुत न्यूज देखते होगे तो पता लग जाएगा। आप एक चीज और बताओ, 6 जून को क्या मनाया जाता है, कोई डे होता है इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। 6 जून हो गया, 5 जून हो गया, ये दोनों डेज इंपॉर्टेंट है। चाइना, बिल्कुल करेक्ट है कि इन मे 2021 विच कंट्री हैज अलाउड कपल्स टू हैव अप टू 3 चिल्ड्रन। देखो, पहले हम दो हमारे दो, ये पॉलिसी थी, और सबसे पहले इसको चाइना ने ही दिया था क्योंकि वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। अब क्या हुआ है, अब इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है इनका, जो भी बर्थ रेट्स में है, इस वजह से इन्होंने अलाउ कर दिया है क्या कि 3 चिल्ड्रन आप यहाँ पर कर सकते हो, 3 बच्चे पैदा कर सकते हो। ओके, अब इतना ही है बस यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ, 5 जून को, यस बिल्कुल होता है आपका। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 6 जून को आपका क्या होता है, बिम्स्टेक डे होता है। 24th आपका बिम्स्टेक डे मनाया गया था 6 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आपकी थीम इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ 13 गार्जियन मिनिस्टर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड अदर वेलफेयर स्कीम। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, आसाम है इसका आंसर। ओके, किस राज्य सरकार ने नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों एंड अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 13 संरक्षक मंत्रियों की प्रणाली शुरू करी है। तो 13 संरक्षक मंत्रियों की प्रणाली इन सारे कार्यों के लिए आपकी असम सरकार ने स्टार्ट करी है। ओके, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका कोविड से रिलेटेड न्यूज है, 50-50 बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्या हुआ आपका, 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बिल्कुल करेक्ट है। रीस्टोर, रिक्रिएट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम है आपकी, वेरी गुड वे। अब इसे देखो क्या, रिसेंटली तमिलनाडु ने, आपको पता होगा कि जब कोविड टाइम हुआ था तो मंदिर वैसे ही बंद थे, आपके चर्च बंद थे, तो वहां के जो पंडित हैं और वहां के प्रीस्ट हैं, उनका काम कैसे चलना था। तो उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर
सहायता प्रदान करी कितने की, 15 किलो चावल मतलब 15 kg राइस एंड 15 varieties ऑफ ड्राई राशन टू सपोर्ट टेम्पल वर्कर्स एंड प्रीस्ट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये 4,000 रुपए का इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करा था, ठीक है। 4,000 रुपीज, 3,500 आपका किसी और का है, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी, 3,500 आपका किसने स्टार्ट किया था, देखो 4,000 तो यहाँ पर वो दे रही थी आपकी यूपी सरकार। किनको दे रही थी? वो बच्चे जिनके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स कोविड के दौरान जिनकी मौत हो गई। तो इस योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो यूपी ने शुरू करी थी। क्या? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें क्या हुआ, 4,000 रुपए ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे यूपी में, ठीक है। और 3,500 जो आप बता रहे हो ये शुरू करी है आपकी असम गवर्नमेंट ने। देखो मैं सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूजन मत कर रखो। तमिलनाडु ने 4,000 जो पादरी प्रीस्ट और आपके टेम्पल वर्कर्स थे उनके लिए प्रोवाइड करी ड्यूरिंग कोविड। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी जिसमें 4,000 रुपए प्रोवाइड करे जाएंगे उन बच्चों को जिनका सिंगल पेरेंट या दोनों पेरेंट कोविड के दौरान जिनकी मौत हो गई। और यहाँ पर 3,500 रुपए कौन प्रोवाइड करेगा? आपका मुख्यमंत्री शिशु सेवा अकोनी अचौनी अकोनी क्या बोलते हैं, असम गवर्नमेंट यहाँ पर देगी इन बच्चों को। और उसका नाम क्या है इस योजना का? मुख्यमंत्री शिशु सेवा एकोनी, ओके, ये नाम है इस योजना का। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। तो इनको पिक करके आपको जल्दी जल्दी, बिकॉज न्यूली रहते हैं सीएफओ, अब बनाए जाने लगे हैं तो इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है, आजकल पूछ भी ले रहा है। केनरा बैंक हैज अपॉइंटेड एसके मजूमदार एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अलग होता है, फाइनेंशियल अलग होता है, दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केनरा बैंक ने बनाया है एसके मजूमदार को। इन्होंने किसको यहाँ पर रिप्लेस किया है, किसी को याद है बता दो? इन्होंने वी रामचंद्र को रिप्लेस किया है। तो रामचंद्र कह गए सिया से कि एसके मजूमदार आएंगे केनरा बैंक में। नेक्स्ट, इतना ही है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी बता दो, केनरा बैंक की टैगलाइन पता हो आपको बता दो, इसका आप वो बता दो, क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट आ गया लो आपका इम्पोर्टेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, सबको पता होगा। Reimagine, recreate, restore, World Environment Day, okay? अब इधर देखो, World No Tobacco Day. तो इससे पहले आपका World Vape Day मनाया जाता है, जिसमें क्या है, वो 30 मई को मनाया जाएगा 2021 से। इन्होंने बोल दिया क्यों? क्योंकि वो आपको अवेयरनेस प्रदान करेगा, मतलब वो रेस करेगा कि आप जो आपके नशे वाले प्रोडक्ट होते हैं या टोबैको से रिलेटेड उनके लिए। अभी 31 मई को मनाया जाता है, सबको पता है, बहुत देर से बता रही हूँ, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी जो आपकी थीम है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है? क्विट टोबैको टू बी अ विनर, ये है इसकी यहाँ पर, वी कैन टुगेदर, वेरी गुड, केनरा बैंक की आपकी टैगलाइन है। क्विट टोबैको टू बी अ विनर, ये यहाँ पर इसका क्या है, आपका क्या है, थीम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये मनाया कब से जा रहा है? मेंबर स्टेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO के द्वारा मनाया जाता है, ये तो आप सबको ही पता होगा कि सबसे पहले उसी ने दिया। और आपका कैंपेन चलाए गए थे, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। आपसे पूछ सकता है कि इस दिन आपके जो वर्ल्ड में कैंपेन चलाए गए थे स्मोकिंग को क्विट करने के लिए, उसका नाम था कमिट टू क्विट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो अब आया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम पूछे भी गए थे, SBI ने पूछा था, तो SBI PO में भी आया था, SBI क्लर्क में भी आई थिंक आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन रखें। 1987 कौन अपॉइंट हुआ है, किसने? देखो अंकित, रटना नहीं है आपको, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस से करिए, सबसे अच्छा है। PDF से पढ़ लो एक दो बार, उसके बाद क्विजेस देते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सामने पढ़ते जाएंगे, आप करते जाओ, ओके। मैं बताती जा रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। विच एमंग द फॉलोइंग अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस ओपन टू ऑल फॉर ट्रेड ऑफ नॉन फंजाइबल टोकन्स इन May 2021। तो यहाँ पर बोला है कि भारत की पहली NFT बाजार की घोषणा की, सभी के लिए खुला, ओके, ओपन टू ऑल, ये किसके लिए यहाँ पर है? तो ये है आपका वजीर एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, बाइनेंस इसकी पेरेंट कंपनी है यहाँ पर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिया हुआ है डीप में, आप इसे चाहो पढ़ सकते हो।
दो लाइन स्टार्टिंग की आपकी, तीन लाइन इंपॉर्टेंट है. ओके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लड़की भी बता दो जो गोल्ड लेकर आई है, दो लोग गोल्ड लेकर आए हैं आपका इसमें. एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पहले तो मुझे ये बताओ. ठीक है, तो ये आपकी हुई है दुबई में, पहली बात तो ये. और इसके बाद क्या, दूसरी बात ये नहीं कि ये टिकटॉक टिकटॉक चलती है, और दूसरी बात ये कि दो लोग गोल्ड लाए, एक गर्ल लाई है एक बॉय लाया है, दोनों के नाम बता दो. बिल्कुल, ये बिल्कुल भी यहाँ पर हरियाणा से नहीं है, संजीत कुमार आपके आसाम से हैं. ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर गोल्ड लाए हैं आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि आपकी दुबई में हुई थी. और ये किस में लाए हैं संजीत कुमार, ये आपका 91 kg में लाए हैं. ओके, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने लगे हैं. और एक बंदी भी है, मतलब एक गर्ल भी है वुमेन, जो गोल्ड लाई है 75 kg में, जिनका नाम है पूजा रानी. सिर्फ ये दो गोल्ड यहाँ पर आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग डेज. 75 kg में पूजा रानी, 91 kg में संजीत. तो पूजा रानी कहाँ से है बता दो, आपके संजीत कुमार तो असम से बिलोंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ यहाँ पर. ओके नाउ नेक्स्ट, इस पे चलते हैं. अब इन्होंने पहले भी गोल्ड जीता हुआ हैज प्रीवियसली वॉन गोल्ड इन 2013. तो ये पूछ सकता है कि संजीत ने 2021 में आपका, जैसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि संजीत ने 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, इन्होंने इससे पहले गोल्ड कब जीता था, तो इन्होंने इससे पहले 2013 में गोल्ड जीता था. तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है. नाउ नेक्स्ट, क्विट टोबैको टू बी अ विनर, यस वेरी गुड. अभी से देखो, बाल सुब्रमण्यम श्याम हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड. ही प्रेजेंटली सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर इन टू विच कंट्री. तो ये पहले इससे किस कंट्री के लिए कर रहे थे, जापान के लिए थे. ओके, अब ये किसके लिए बना दिए गए हैं, आइसलैंड के लिए. नाम क्या है, बाल सुब्रमण्यम श्याम. ये हैं आपके यहाँ पर इंडियाज एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड. नाउ नेक्स्ट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखो. ये इम्पोर्टेंट है. ओके, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, पिछला वाला इतना नहीं था. ये अच्छा, कोई बताएगा, बेलग्रेड ओपन भी आपका हुआ था. ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आया, 2021, आपको पता है ये टेनिस से रिलेटेड है. तो इसमें आपका मेन सिंगल किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बिकॉज ये बहुत ही नामी नाम है, आपको पता होना चाहिए. बताओ जल्दी से, बेलग्रेड ओपन 2021. ओके, कोई बात नहीं, प्री क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, लग रहा है हो जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ, नहीं हुआ है, जो बहुत तेज हैं, डेली क्लास में आते हैं गाइस. बट वही है कि अब आगे सोचना है, कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, अब आगे सोचना है. ठीक है, एक दिन जो गलतियां हैं सोचो, फ्रस्ट्रेशन जितनी लेनी है ले लो, उसको नेक्स्ट डे से गुस्सा में निकाल दो अपनी पढ़ाई में. पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उड़ान स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी पैड्स. ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ये वुमेन के लिए सैनिटरी पैड्स से रिलेटेड है. मतलब कि आप जानते हो ये छोटी छोटी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप नॉर्मली लोग अवेयर ही नहीं होते हैं, बनाने में शर्म करते हैं, तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड्स टू वुमेन एवरी मंथ के लिए एक स्कीम शुरू करी है, जिसका नाम है उड़ान. और इसके लिए आपका जो एलोकेट हुआ है पैसा कितना हुआ है, 14.55 करोड़. तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है. उड़ान स्कीम सैनिटरी पैड्स के लिए स्टार्ट करी गई है, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, ये भी पूछ सकता है. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल करेक्ट है. बेलग्रेड ओपन 2021 मैन सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं. ओके नेक्स्ट, पैसा याद रखना कितना है यहाँ पर, अमाउंट आपका 14.55 करोड़. बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, आगे चलते. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा डिस्क अभी जब मैं बताऊंगी डिटेल में वो. ये तो जनरली आप सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिल्कुल होगा, ठीक है, आगे भी होगा. अभी से देखो, आपका वर्ल्ड कॉमनवेल्थ डे जो मतलब हर साल मनाया जाता है भारत में, इन्होंने पूछा इन इंडिया,
इन इंडिया मनाया जाता है ये 24 मई को। अब आगे, अब यहाँ पर क्या था कि ये आपका जो स्टार्ट हुआ था कब से, 1977, और इंडिया में जो बाकी की कंट्रीज है या ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सेकेंड मंडे इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम पूरे बाहर की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो सेकेंड मंडे इन मंथ ऑफ मार्च, बट इंडिया में कब मनाया जाता है, ये 24 मई को। कब, किस डे के लिए, क्वीन विक्टोरिया की बर्थ डेट हुई थी इस दिन, 24 मई 1819। थीम इम्पोर्टेंट है कॉमनवेल्थ कि क्या, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, इनोवेटिंग, कनेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। एक बार पढ़ लो थीम, ठीक है। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, इनोवेटिंग, आपको पता है कॉमनवेल्थ दैट मींस कुछ फ्यूचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इन्होंने वही बोला है कॉमन फ्यूचर, इनोवेटिंग, कनेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। क्योंकि आप भी जानते हो स्पोर्ट्स को जितना अदर कंट्रीज में स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलती है, उतना स्टिल अभी इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है, हालांकि चल रहा है काम। बताओ। क्या लगता है सुशांत, बताओ क्या हुआ होगा आरबीआई असिस्टेंट सून, ठीक है, आने वाला है सर्बियन, इसको बताओ। बिल्कुल, गोवा ने स्टार्ट किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउसहोल्ड इन मे। ये आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी पीओ के लिए, या क्लर्क जो भी आप दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज रूरल एरिया से रिलेटेड है, रूरल हाउसहोल्ड प्रोग्राम से रिलेटेड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तो इन्होंने योजना शुरू करी है, क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं गोवा में। ओके, हर घर योजना वाला, हर घर जल योजना वाला जो था ना क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रमोद सावंत आपके गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही किया है, तो इनका भी नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ये हम लोग कर ही चुके हैं। वर्ल्ड मिल्क डे आपका 1 जून को मनाया जाता है, बट फर्स्ट वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, ये बता दो आप। ऐसे क्वेश्चन आजकल जादूगरी कर रहे हैं एग्जामिनर। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वर गवर्न बाय ब्रिटिश। पीडीएफ सेशन के बाद मिलेगा प्रणजीत, पीडीएफ में मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, मैं मेरी अभी 2-3 क्लासेस की बची है ना पीडीएफ, वो पता नहीं कहाँ चली गई। कल पूरा रिस्टोर करूंगी चीजों को, फिर बताऊंगी आपको, ठीक है, दे दूंगी कल पीडीएफ सारी, कुछ प्रॉब्लम हुई है लैपटॉप में। ये आपका जो स्टार्ट हुआ है 2004 से नहीं, 2001 से, ठीक है। तो पहली बार आपका वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था 2001 में, 26 नवंबर होता है आपका नेशनल वर्ल्ड सॉरी नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या, नहीं है। वही है कि आपका 1 जून को मनाया जाता है, और पहली बार ये स्टार्ट हुआ था कब, 2001 में। नेक्स्ट, और स्टेबलाइज किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है आरआरबी के लिए, आरआरबी के लिए इस तरह के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहते हैं। डीआई नहीं हुआ आज, मैंने बोला था कल करवाऊंगी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज अपने आप में बन जाती है, बिकॉज अब ये जो प्राइस है इस नैनो यूरिया लिक्विड का, ये पिछले से 10% कम है। ओके, और ये किसने यहाँ पर, किस संगठन ने ये पेश किया है आपका, तो ये किया है आपका किसने, इफको ने। ओके, रेट इसका पहले से 10% कम है। अब कितना है देख लेते हैं, तो इन्होंने बोला है क्या कि 10% यहाँ पर कॉस्ट इसकी कम कर दी गई, और कितना है, 240 रुपये में अब आपको 500 ml बॉटल की मिल जाएगी यहाँ पर। नाम क्या है, नैनो यूरिया, किसके द्वारा, इफको के द्वारा। नेक्स्ट, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बिल्कुल करना चाहिए अभिषेक, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है आपको और आपकी प्रायोरिटी है जॉब लेना, देन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज टॉप्ड अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड आपका हो गया, या किसी स्कीम में किसी स्टेट की रैंक होती है, तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप में रखते हैं इंपॉर्टेंस, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। हे मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धनंजय। अब इधर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज टॉप्ड अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी में किस मैनेजमेंट ने यहाँ पर टॉप किया है, और ऑल इंडिया सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उनकी ग्लोबल रैंकिंग देखी जाए तो कितनी है, 2021-22 में ये है 415, और यहाँ पर क्या है,
इन द सेंटर वर्ल्ड सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, रैंकिंग आपकी कौन सी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और रैंक इंडिया के जो टॉप किया है उसकी रैंक कितनी है 415। तो ये है आपका आईआईएम अहमदाबाद, और इसको फॉलो कौन कर रहा है ये भी देख लो, 415वीं रैंक आपकी आईआईएम अहमदाबाद की है, जो कि आपका इंडिया में टॉप कर गया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंक है 415। इसको फॉलो कर रहा है आपका कौन, आईआईएम अहमदाबाद के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इसकी रैंक है 459। तो और इसके बाद ये सारे इनको फॉलो कर रहे हैं, तो दो याद रख लो, 415 इसकी है, 459 आपकी आईआईएससी की है। ओके नेक्स्ट, अच्छा कोई बताएगा बी श्याम जो है इनको कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया से, बताओ। तो बताएगा बिल्कुल वही होगा, एक बार पढ़ लो नोटिफिकेशन अच्छे से, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं बताऊंगी, बिना पढ़े नहीं बताऊंगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफशोर पेट्रोल वेसल वाज वर्चुअली कमीशन इन द इंडियन कोस्ट गार्ड इन मई 2021। जब भी कोई कमीशन होता है या डीकमीशन होता है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है, जो अभी करेंटली आपका चल रहा होगा। तो यहाँ पर कौन है जो कमीशन हुआ है, इसका नाम है आपका सजक, तो इसका नाम आप याद रखोगे सजक, ये आपका हुआ है मई 2021 में। नेक्स्ट, उससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, और बहुत सारे स्टेट्स इसके लिए अवेयर भी हुए हैं, मतलब कर भी रहे हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए। नेम द ऑनलाइन रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च टू मॉनिटर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट बोथ और आइदर ऑफ दियर पेरेंट्स इन कोविड-19 बाय NCPCR। तो NCPCR के लिए यहाँ पर जो आपका पोर्टल चला गया है उसका नाम क्या है, बाल स्वराज। और ये NTPCR आपका, NTPCR है क्या, NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने जो चलाया है पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल यहाँ लॉन्च किया, उसका नाम है बाल स्वराज, उन को केयर देने के लिए जिनके पेरेंट्स मर गए या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो कोविड के दौरान, भाई बहुत दिक्कत तो आई, ठीक है, खुद ही झेल है। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते, जैसे ये हो गया आपका, पीछे मैंने उड़ान वाला बताया है ना, और आपका कोई अपॉइंटमेंट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन तो मतलब करने ही करने हैं, इनको आपको 2-3 बार पढ़ना है अच्छे से। इंटरव्यू आपका बोर्ड लैंग्वेजेस में रहता है, ठीक है, अगर रीजनल RRB से हो तो आप रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे और उसी में दो आप, ज्यादा सही है, बाकी डिपेंड करता है। देखो मेरे हिसाब से क्या होता है, इंटरव्यू का एक रोल होता है, आप से अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं देन आप उनको इंग्लिश में आंसर दो, और मान लो अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं और आप नहीं पॉसिबल है इंग्लिश में करने को, देन आप परमिशन ले लो कि क्या मैं इसको हिंदी में आंसर कर सकता हूँ, ये बात रहती है, वरना कोई नंबर इसका नहीं कटता, आप अपनी बात को ढंग से पहुंचा पा रहे हो या नहीं ये मैटर करता है। इन मई 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड युवा स्कीम टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स, हाउ मैनी ऑथर्स विल बी सेलेक्टेड अंडर द स्कीम। तो 15 अगस्त को ये आपके जो वर्क वो है ऑथर सेलेक्ट किए गए हैं, इनकी संख्या जो है वो है 75। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसके अलावा बनता है क्या, आपका युवा का जो फुल फॉर्म है, तो युवा का फुल फॉर्म आपका क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, इनको निकालने के लिए ये चीज की गई है। तो इनको यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप मिलेगी ₹50,000 पर मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 6 months पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप स्कीम, ठीक है। तो इस एक तरह से एक पहल होती है कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जिनमें जो टैलेंट है उसके लिए, तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती रहती हैं। 15 अगस्त को ये आपका हुआ था, और ये जो बुक्स होंगी ये आपकी पब्लिश करी जाएंगी 12 जनवरी 2022 को ऑन युवा दिवस और नेशनल यूथ डे। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिक्स से रिलेटेड है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होगा, कभी भी आपका कुछ होता है इस तरह से, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया नॉर्मल, या कोई भी ट्रीटी होती है, कोई सबमिट हो गई, तो पता कर लो किसको प्रेसिडेंसी मिली है, कहाँ पर ये होस्ट हो रहा है, या अगर कैंसिल हो गया है किसी कारण से कोविड की वजह से, तो अब किसने ले लिया।
बास इसका बताओ आंसर फटाफट। यहाँ पर क्या है आपका इस बार जो इसकी कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो देखो यहाँ पर आपका क्या है कि वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आपका जो होस्ट कर रही है कंट्री, फिफ्थ ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये है आपकी साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। साउथ अफ्रीका ऑन 30th में होस्टेड द कोऑर्डिनेटेड द फिफ्थ ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है। ब्रिक्स के मेंबर्स आपको पता ही होंगे क्योंकि इनके नाम में ही छुपे हैं, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये साउथ अफ्रीका, इतने ही इसके मेंबर्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप आंसर कर रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट है, बट वो ये है आपका क्वेश्चन, इंडिया हैज एज्यूम्ड द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फ्रॉम जनवरी 2021। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिर्फ ऑप्शन देखकर रटना नहीं है, अदरवाइज लगेगा कुछ टिक करके आओगे और 100% कॉन्फिडेंस से आओगे। नेक्स्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ना भी पढूं फिर भी हम इसको आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज ऑप्शन में सारे ही मुंबई के दिए हुए हैं ना, शिवाजी राव देख के ध्यान आता है, मापूसा, मुंबई पुलिस, जो कि आपने सिंघम और मूवीज देखी होंगी, तो बट यहाँ पर तो इन्होंने बोल दिया क्या कि विच आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल द लाइसेंस ऑफ शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक ड्यू टू इन एडिक्वेट कैपिटल, तो ये बैंक आपकी बिलोंग करती है पुणे से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बाय रिप्लेसिंग MS पवार। अच्छा, वनीता गुप्ता याद है क्या आपको? वनीता गुप्ता, इनके बारे में कुछ पता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आ सकता है एग्जाम में, ये इनको सर्च करो एक बार, देखो कौन है, बताओ। तो इन्होंने MS पवार को यहाँ रिप्लेस किया है और बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ, इनका नाम क्या है भाई? इनका जो शुभ नाम है वो है आपका रवनीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, सबको ही पता होगा, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, अब इन्होंने भाई हिस्ट्री बनाई है, ठीक है, और कोई भी बंदा हिस्ट्री बनाता है देन वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा, ये अपने आप में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, बहुत प्राउड मूवमेंट दिए हैं इंडिया को, हालांकि इन्होंने 2017 में ही बोल दिया था 3-4 साल पहले ही कि मैं गोल्ड लाऊंगा टोक्यो में, और इन्होंने कर दिखाया, तो इसे कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन, मेहनत, ठीक है। तो अपने आप को देखो, जब इंसान इतने टाइम तक के लिए अपने आप को संभाल सकता है तो आपकी प्रिपरेशन तो सिर्फ 6 महीने की है, आपके लगातार एग्जाम लगे हैं, तो डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ते रहना है, जब तक हिट नहीं हो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वही साहब हो, ठीक है। अब बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स हैव मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो दो नेम है ए और बी आपके, नितिन राकेश एंड जेरी विंड, तो इन दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, नितिन राकेश एंड जेरी विंड वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। अब इन्होंने इनकी जो करेंटली लॉन्च्ड बुक है ई बुक, उसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, पब्लिश्ड बाय नोशन प्रेस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट ये आपके लिए एक झलक देख लो, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, पढ़ना कैसे है मैं आपको ये भी साथ साथ बताते चल रही हूँ कि कैसे आपके लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। बिल्कुल, मेंस का एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है, RRB का तो रीजनल में भी होता है। ऑन जून 1, 2021 डॉक्टर विनय के नंदीपुरी वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ CSIR सेंटर ऑफ, ये होगा आपका सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड इन, ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, विनय के नंदीपुरी आपका CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो इतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सप्ताह ये बताओ, ये क्वेश्चन तो अपने में बनता ही है, एक चिमोनो बंबूसा कोलासा, तो बंबूसा आपको जहां भी दिख जाए ये आपका अभी खोजा गया है, कहां पर? नागालैंड में, बंबूसा करके,
और ये है क्या भाई, बैम्बू है, तो बैम्बू का मतलब बैम्बू ही किस आपकी स्पेशीज हुई, तो यहाँ पर नाम छुपा हुआ है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये कहाँ आपका फाउंड किया गया है नागालैंड में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। नाम है चिमोनो बम्बूसा कोलोसा, चिमोमो बम्बूसा कोलोसा। अ टीम ऑफ जियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पेसीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट नेम जयंती इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में आपका डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मैंने बता दिया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आपका 1 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बता दो कि किसकी सहमति, किस एजेंसी ने इस दिन की घोषणा करी थी, प्रोक्लेम किया था, बता दीजिए सर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड द फर्स्ट एवर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम वही क्वेश्चन आ गया, गलत है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते, चलो हटाओ इसको। अब देखो यहाँ पर आपको भी पता है, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम चल रहा है, ठीक है। अभी तो अभी कोविड टाइम में जब आपकी इकोनॉमी डाउन हुई थी, तो एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था कुछ चीजों को। अब इसे देखते हैं, द डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कंप्राइजिंग हाउ मेनी आइटम्स, जो दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची मंजूर हुई है, इसमें कितनी वस्तुओं को रखा गया है, तो ये है आपकी 108, ओके। और इनका जो टारगेट रखा गया है, दिस सेकेंड लिस्ट इज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रोग्रेसिवली विद द इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 21 टू 2025, बस इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है, ओके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, 108 आइटम्स, ये याद रखना, पूछ सकता है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है आपका। अब ये पढ़ोगे अभी कि आपको ये मेरे हिसाब से करंट में ही पढ़ना, ठीक है। जब आप पढ़ने ये मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी जब आपका एग्जाम होगा उससे 4-5 दिन पहले, तो इस वजह से इसको अभी हम लीव करते हैं, ओके। यस बैंक का है तो देख लो, बिकॉज ये आपका हर बार नहीं देता। यस बैंक हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ ग्रोथ एस्टिमेट, ये आपका जून का है, ठीक है, तो मैं जून के उसमें बता रही हूँ आपको ये। इंडियाज जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड, व्हाट आर द ग्रोथ एस्टिमेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एज पर बैंक, तो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर एज पर बैंक का अनुमान क्या लगाया है इन्होंने, 8.5%, जो कि प्रीवियसली आपका था 10.5%, तो यस बैंक ने दिया कितना, 8.5% किसका, इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड। नेक्स्ट, अच्छा किसी को पता है इको रैप किसकी है, इको रैप, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये ऐसा एग्जाम से पहले ही वो चीजें सही रहती हैं। Who among the following has authored the book titled All You Need Is Josh? All You Need Is Josh. कल दिमाग खराब हुआ, एग्जाम नहीं निकला, बस वही बात है, जोश की जरूरत है आपको थोड़ा सा, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, थोड़ा मस्ती करो, पढ़ाई करो, इंजॉय करो चीजों को, क्योंकि जितना टेंशन जरूरी है उतना ही आपका माइंड भी रिलैक्स रहना जरूरी है। स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, तो ये कौन है भाई बताओ, Who among the following author? Supriya Paul. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। All you need is Josh, Supriya Paul. बस इतना याद रखो। कोपा अमेरिका किससे रिलेटेड है कोई बताएगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कोपा अमेरिका? शायद पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, तो ये आपका जो अगर हम बात करें किससे रिलेटेड है, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है आई थिंक, बताओ जल्दी सर, कोपा अमेरिका। और एक क्वेश्चन का आंसर और दो, घर घर औषधि स्कीम किसने स्टार्ट करी है, घर घर औषधि स्कीम,
जो आपका नॉर्मल पता होगा ना, वही आपका अश्वगंधा और जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, तो उनका पेड़ लगाना कुछ ऐसा था। याद आया, कोपा बिल्कुल आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पर इसका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार दूसरी बार न्यू होस्ट इसका कौन रहा है? ब्राजील। देना तो इनको किसको था यहाँ पर? अमेरिका, आफ्टर कोलंबिया एंड अर्जेंटीना वर स्ट्रिप्ड द टूर्नामेंट। ओके, तो यहाँ पर नए मेजबान के रूप में नामित किया गया। हिंदी में देख लो इसको, क्वेश्चन को। तो कुछ कोलंबिया और अर्जेंटीना कुछ कारणों से हट गए, अब कोपा अमेरिका की जो मेजबानी होगी इस बार कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ओके, बस इतना ध्यान रखो इसमें। और बाकी ये किससे आपका रिलेटेड है? ये है आपका फुटबॉल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है एसबीआई के लिए। एसबीआई मींस द सेंटर हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू वेस्ट बंगाल अंडर जल जीवन मिशन फॉर 2021 टू 22 टू प्रोवाइड। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर? वेस्ट बंगाल को प्रोवाइड कर रही है जल जीवन मिशन के लिए कितना यहाँ पर एलोकेट कर रही है? ये 7,000 रुपए एलोकेट कर रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी 7,000 रुपए की है, ठीक है, वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट, अब इसमें बोला विच कंट्री लार्जेस्ट नेवी शिप आयरिस कर्क सैंक आफ्टर कैचिंग फायर नियर द माउथ ऑफ द गल्फ ऑन 2 जून। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है आग लगने के बाद एक आपका नौसेना जहाज जो डूब गया? तो बताओ कौन सा है। आयरिस खरक नाम है इसका, और ये किस देश का है? तो नाम से ही पता लग रहा है ये आपका ईरान का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आयरिस खड़क ये आपका ईरान का है जो डूब गया था आग लगने के बाद। कब? डेट थी 2 जून 2021। माउथ ऑफ द गल्फ। Which IIT researchers has discovered new fossils that show India was home to a variety of sea cows millions of years ago? तो यहाँ पर बताइए किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाश्म की खोज करी है कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था? तो यह है IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अपॉइंटमेंट है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, NHRC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके न्यू चेयरमैन अभी आपके अपॉइंट हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ये अपॉइंटमेंट पूछ सकता है। नाम बताइए क्या? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन के न्यू चेयरमैन आपके कौन है? इसका नाम आप बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा इसके न्यू चेयरमैन है। अर्पित, वेरी गुड, अरुण कुमार मिश्रा, इसको याद रखिएगा। ओके, और यूएन से भी आपके, सॉरी, यूएसए से भी रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे वनीता गुप्ता, ये आपकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है यूएस में, ठीक है भाई, फीमेल है। अपने आप में इंडिया और अमेरिका ओरिजिन की तो इंपॉर्टेंट अपने आप में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड एन MOU विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अमंग ICT SME एंड स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है, कोई पहल बनती है, तो अपने आप में थोड़ा इम्पोर्टेंट वो रहती है। तो ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं। अभी ये SBI से रिलेटेड है, तो SBI ने अभी अगर आपका करेंट में दे रखा है देन वो न्यूज इंपॉर्टेंट बनती है। जून के हिसाब से इन्होंने SBI ने यहाँ पर जो इंडिया की GDP है वो क्या बोली है? घटाकर कर दी है 7.9%, और पहले जो इन्होंने दी थी वो कितनी थी आपकी? 10.4%। तो 10.4 से घट के कितनी हो गई है? 7.9। ये इम्पोर्टेंट अपने आप में है, बाकी न्यू आता है तो है। और इकोर ऐप की जो मैं बात कर रही थी वो आपका SBI का ही है ना? बताओ बताओ चेक करके एक बार, वैसे मैं ठीक सही कह रही हूँ, बट एक बार बता दो। अब मुझे यहाँ पर ये तो बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, और जो बंदा इसका आंसर है वो बताओ बिलोंग कहाँ से करता है। दोनों इम्पोर्टेंट, आर्मी सेक्रेटरी ऑफ USA क्रिस्टीना वॉर्मट। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं, ठीक है, जिनको जो बिडेन ने नॉमिनेट किया है, क्या जो आपके बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ
यूएसए एंड फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस के लिए आपके डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। तो कौन सी सर्विसेज के लिए? आप तो फॉरेन कमीशन सर्विसेज के लिए। तो इनका नाम है आपका अरुण वेंकटा रमन, ये आपके बने हैं क्या यूएसए में फॉरेन कॉमर्शियल सर्विसेज के लिए। शेफाली बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका हरियाणा से बिलोंग करती हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ऊपर से गर्ल है। फर्स्ट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन आईसीसी वुमेन्स T20 बैटिंग रैंकिंग विद 776 पॉइंट्स रिलीज्ड इन जून। तो ये शेफाली वर्मा है और ये आपका बिलोंग करती है कहाँ से? हरियाणा से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में। ओके चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन अभी छूट गया था, जो अभी मैं सोच रही थी कि आया नहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका पीएम केयर के अंडर एक स्कीम लॉन्च करी गई है उन चिल्ड्रंस के लिए जिनके कोविड-19 के दौरान जिनके माँ बाप दोनों मतलब किसी कारण से कोविड के दौरान चले गए, तो उनको यहाँ पर क्या है? जब भी आपका जो जो भी ऐसा वो होगा, क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी है जिसको ये चीजें मिलेंगी, जिस भी चिल्ड्रन को, तो जब वो 23 साल का हो जाएगा तो उसको कितना यहाँ पर मिलेगा? बताओ बताओ। 10 लाख रुपए यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपके पढ़ने लायक हैं, जो मैं बोलूंगी आपको पढ़ना चाहिए। ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, तो एक तो हो गया कि जब वो 23 साल का हो जाएगा तो यहाँ 10 लाख मिलेगा। ये 10 लाख कॉर्पस विल बी यूज टू गिव इन मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट 18 to 23। और यहाँ पर ये भी है, जब 11 से 18 के बीच में होगा तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल होगा रेजिडेंशियल, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, नवोदया होगा, वहां पर इनको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज अनाउंस टू प्रोवाइड अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अप टू 5 लाख टू सैलरीड नॉन सैलरीड एंड पेंशनर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस लोन? तो इस लोन का आपका पीएम केयर लॉन्च 27 मार्च 2020। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में है जो पंकज ने इसका आंसर बताया है, ठीक है। तो इसका जो टेन्योर है आपका 5 साल का है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, इन्होंने कोविड-19 के दौरान एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है वो देने के लिए बोला था, जिसकी मिनिमम लिमिट है आपकी ये 25,000 से मिलेगा और मैक्सिमम है 5 लाख, ठीक है। कोई भी हो बंदा, सैलरीड हो, अनसैलरीड, नॉन सैलरीड हो, आपका पेंशनर्स हो, ठीक है, इनको ये मिलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट बैंक इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये लोन दे रहे हैं एक तरह का। और यहाँ पर SBI के लिए यहाँ पर चार्ज इंटरेस्ट दिया हुआ है 8.5%। तो अगर SBI का क्वेश्चन आता है क्लर्क में तो ये पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटाओ, यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है इसकी। हाँ ये है इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपसे एक बार संसद के बारे में पूछ लिया था ना SBI ने, कि पहले मतलब ये कब फॉर्म हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। कवच लोन बाय SBI, वेरी गुड। इसको देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा वुड बी इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोधगया। हाउ मैनी आर्टिजन्स? तो जो आपकी बोधगया की लेटी हुई वो थी प्रतिमा, वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा आपकी स्थापित की जाएगी। तो ये जो बनाई गई थी इसमें कितने कारीगर लगे थे और ये कहाँ पर थी? तो इसमें जो आपके कारीगर लगे थे वो थे आपके 22 और ये कोलकाता में थी, ठीक है आपकी। नेक्स्ट Who has been elected as the Asia Oceania representative at 2021 International Association of Ultra Runners Congress? तो यहाँ पर किसे इलेक्ट किया गया है इसके लिए? नागराज अडिगा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने आप में बनता है, ठीक है। एक आता है आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन 28 मई। तो ये मई का क्वेश्चन है, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2014 में। ओके इतना ज्यादा मुझे लगता है पुराना नहीं आएगा, वैसे कुछ भी आ सकता है, कह नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट है, RBI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सारी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे दिल को आपने कैसे जान लिया सुभाष?
हाँ ये क्लासेस रोज नहीं होती हैं, ठीक है, रैंडम क्लास है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स द लिमिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट, कितने परसेंट की लिमिट दे दी है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6% की, ओके, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। अब चलते हैं, इसको चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है, एक बार। इम्पोर्टेंट अवार्ड कोई भी मिलता है स्टेट को, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। 6% है, आप जो अभिषेक आंसर बता रहे हो, 2 से 3% हो सकता है वो दूसरे वाले का हो, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अभी से देखो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड इन द साउथ ईस्ट रीजन कैटेगरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से, यहाँ पर किसको मिला है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व क्षेत्र श्रेणी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार किसे दिया है, ए और बी आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों को यहाँ पर मिला है, ओके। नेक्स्ट तो देख पढ़ सकते हो यहाँ पर, और नो टबैको डे पर हर्षवर्धन को अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काम किया था इसके लिए। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड 2021 मिला है किसको, हर्षवर्धन को, क्योंकि इन्होंने तंबाकू को रिड्यूस किया, मतलब इसकी इसके लिए वर्क किया इंडिया में आपका। और एक बार बताओ, कोविड के दो वेरिएंट आपके आए थे, एक का नाम था डेल्टा और एक का नाम था कप्पा, ये पता है कि नहीं, थोड़ा ही सा अंतर है एक और दो का, P74, विच ऑफ द सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ WHO हेल्ड वर्चुअली एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड फ्रॉम 24 मई टू 31 मई, तो ये आपका जो नंबर था सेशन का वो था 74, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है बिकॉज WHO का है। और यहाँ पर थीम आप देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, एंडिंग दिस पैंडमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टूगेदर अ हेल्थियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। और ये भी तो है इम्पोर्टेंट, डेचेन वांगमो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ भूटान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सॉरी, नेक्स्ट। ये है बिकॉज GST और टैक्स वाले से रिलेटेड है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। बिल्कुल, आपका रेबीज फ्री फर्स्ट स्टेट जो बना है वो है आपका गोवा। इस तरह के क्वेश्चन हो गए, हर घर जल योजना में हो गए, मान लो अभी कोई यूटी में आता है तो पूछ ले ऑल ओवर कौन था, तो छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अभी एक MOU साइन हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, किसने किसने साइन किया है, इंडिया और जापान ने, ठीक है, तो ये किस फील्ड में किया है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट है इंडिया में उसके लिए इंडिया ने जापान के साथ एक MOU आपका यहाँ पर साइन किया है। और एक कमिटी बनी है गाइस, जिसके बारे में शायद आपको पता हो, जिनके हेड आपको बताने हैं, मैं बता दूं ये किस लिए बनी है, ये GST को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई है उन प्रोडक्ट्स पर जिनको हमने यूज किया है, लाइक सैनिटाइजर कोविड टाइम में हमने जिन्हें यूज किया था जिन प्रोडक्ट्स पर, तो उन पर जो GST होती है उसको यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनी है, तो इसको हेड कौन कर रहा है, कोई बताएगा, बताओ। इन विच एडिशन ऑफ GST काउंसिल मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द एमनेस्टी स्कीम टू रिड्यूस द लेट फीस पेबल फॉर पेंडिंग रिजल्ट बाय स्मॉल मीडियम साइज टैक्स पेयर, बताओ इसका आंसर। विलंब शुल्क को कम करने के लिए किस संस्करण में बोला है ये एमनेस्टी आपका स्कीम, अनाउंस द एमनेस्टी स्कीम, तो ये है आपकी 43rd मीटिंग, ओके, 43rd एडिशन ये आपका मीटिंग का रहा। ये पढ़ सकते हो लाइन, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ये आपका मनाया जाता है जो 2 जून को, तो ये अपने आप में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे है लेकिन पूछा नहीं, मुझे नहीं लगता कि और इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वोज डे, ये पूछ सकता है कि इस डे को और क्या बोला जाता है, वोज डे बोला जाता है। कब मनाया जाता है, 2 जून को। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज अप्रूव्ड द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट इनेबल गवर्नमेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, देख सकते हो, सत्यदेव नारायण आर्य, पीडीएफ में दे दूंगी, ओके इसको देख लो, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज बुक ज्यादा है नहीं। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल टर्न टू चाइना, हु हेल्स फ्रॉम नेपाल, इस लेखक का नाम बताइए। तो इनका नाम है अमीश राज मुलमी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अमीश राज मुलमी। क्या है बुक का नेम, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न टू चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम से ही पता लग रहा है, और सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, यही आएगा, क्योंकि नाम से तो आप पता लगा लोगे इजैक हर्जोग किसके हैं, ये आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इसराइल के, बट ये किस नंबर के हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके 11th है यहाँ पर, ओके ऑप्शन नंबर सी, 11th प्राइम मिनिस्टर है ये आपके इसराइल के, नाम क्या है, इजैक हर्जोग। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर रिसेंटली टुक ओवर एज अ 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स आपके ये यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ओके। तो ये बोला इन विच ईयर असम राइफल्स केम इंटू एक्सिस्टेंस, तो ये आपकी एक्सिस्टेंस में आई थी 1835 में, वेरी गुड, जो भी इसका आंसर जानता है मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल की चल रही है, वीर को नाम, वेरी गुड। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेम आपका कौन था जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड पेरेंट्स डे था, वो भी इस डे आपका मनाया गया था। नेक्स्ट, अब ये कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट पकड़ लो कि किसके लिए है ये कमेटी, ये कमेटी जो आपकी बनाई गई है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है, किस पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स लोन्स टू एमएसएमई, तो बस ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है, क्या एक कमेटी है किसके लिए, कोलेटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमई, तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्या है, राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस बिल्कुल, असम राइफल्स का जो आपका हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये फॉर्मेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, देख सकते हो उस क्वेश्चन को आप, मैं जल्दी जल्दी देख लेती हूँ जो, हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट नेम्ड एमबीटेक, तो ये किसने किया है, यहाँ पर आईआईटी रोपड़ ने, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एमबीटेक याद रखो और आईआईटी रोपड़, आप यहाँ पर दो चीजें याद रख सकते हो, ठीक है, रियल टाइम एमबी टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, तो ये अभी मैंने आपको बताया, दो ही हैं आपके, कौन सा, डेल्टा और कप्पा, ठीक है। अब इनके नेम आपको याद होंगे यहाँ पर कि नहीं, B1617.2, ये है आपका क्या, डेल्टा, और यहाँ पर अगर वन लगा दोगे सेम में तो हो जाएगा आपका कप्पा, दो आपके डेल्टा वेरिएंट्स मिले हैं ये इंडिया में मिले थे, जिनको WHO ने नाम दिया डेल्टा और कप्पा। नेक्स्ट, ये ग्रीस नेम है, ग्रीक नेम है आई थिंक, है ना, ये अभी मैंने देखो अभी आपको बताया, पूजा रानी हैज वॉन 75 kg में उन्होंने गोल्ड जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इट वॉज पूजाज मेडल इन कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, तो ये पूजा का कौन सा मेडल है, फोर्थ है, महाद्वीपी अगर टूर्नामेंट में देखा जाए इनका फोर्थ मेडल है, तो इतना ज्यादा ये मुझे नहीं लगा, वो ज्यादा था क्योंकि वो गोल्ड लाए थे,
भाई गोल्ड की बात ही अपने आप में। Which company has won the coveted Grand Prix Agency of Year at the Festival of Media Global FOMG Award 2021? तो एक किस कंपनी ने ये अवार्ड यहाँ पर वॉन किया है, विन किया है? माइंड शेयर। ओके, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते। इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, तो ये MOU एक साइन किया है इंडिया ने किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, बताओ क्या होगा इसका आंसर? अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना और इंडिया ने मिलकर एक MOU साइन किया है किस फील्ड में? मिनरल रिसोर्सेज के, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ द पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक हुज लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड रिसेंटली बाय द RBI? तो इसका एक लिक्विडेटर बनाया गया है, ठीक है, परिसमापक जिसको बोलते हैं, RS धनकर को यहाँ पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, अर्जेंटीना है आंसर, ठीक है, चलिए। In June 2021, Bharat AXA Bank has signed a bank insurance. Most important question, bank insurance क्या होता है कि जब bank insurance दोनों के product के लिए यहाँ पर work करना start कर देती है, किसके साथ इन्होंने यहाँ पर sign किया है? Shivalik Small Finance Bank के साथ, Bharatiya AXA Bank. This bank is based in which among the following state? ये bank आपकी कहाँ पर स्थित है बता दें। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप सबको पता है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये जनरली आपका न्यूज में भी रही है। कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? सहारनपुर में, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड टाइड अप विद द महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर अ कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है, ठीक है, तो ये RRB के लिए इंपॉर्टेंट बनता है अपने आप में क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कैश मैनेजमेंट के लिए यहाँ टाई अप किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। ओके, नेक्स्ट, In June 2021, the ICC has announced the decision to expand the Men's ODI Cricket World Cup to 14 teams in which year? ये important है अपने आप में। अभी तो फिलहाल दो ही क्लास मैंने ली है, जीए की ज्यादा ली नहीं है। ओके, तो ये है 2027। इन जून 2021 ICC ने अनाउंस किया कि पुरुषों का जो ODI क्रिकेट विश्व कप है वो 14 टीमों तक विस्तारित किया जाएगा। किस वर्ष तक? तो ये किया जाएगा आपका कब तक बताओ? 2027 तक। नेक्स्ट, अनिरुद्ध जगन्नाथ, अब ये जगन्नाथ दिख रहा है तो प्रवीण जगन्नाथ से कुछ याद आ रहा है, नाम सुना हुआ है, तो ये उन्हीं का कुछ हो सकता है, बताओ क्या? द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज डाइड रिसेंटली? ये किसके पापा थे बताओगे यहाँ पर? सी, मॉरिशियस, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। कुछ याद आया? हिज सन प्रवीण जगन्नाथ इज द करेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस, तो ये इनके पापा थे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज ये अपने आप में आपको एक टारगेट भी बता रहा है साथ में, और कितना आपको यहाँ पर अचीव करना है वो भी पूछ रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट डेट अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2023। ओके, तो एक तो ये टारगेट कब अचीव करना है ये बताइए, 20% आपको 2023 तक, और 2022 तक का जो आपका टारगेट है वो है 10% का, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले 2023 तक का बता दो तो आपका 20%, 2022 तक का पूछेगा तो 10% किसका? एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। नेक्स्ट, इसका बताओ। अभी रिसेंटली जून में आपका एक न्यूज और थी कि संजीव कोहली करके हैं, ओके, इनको एम्बेसडर बनाया गया है, कहां का जरा बताना जल्दी से।
एक क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम का पार्ट बनना ही बनना है किसी ना किसी के, वो है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में आपको बुक पता होनी चाहिए, किसको प्राइज मिला है ये पता होना चाहिए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए। तीन चीजें यहाँ बता दीजिए, ठीक है? बिल गेट्स, वेरी गुड, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, हु एम द फॉलोइंग बिलेनियस टू रोल आउट द लो कार्बन टेक्नोलॉजी इन यूरोप। तो यूरोप यूनियन, यूरोपियन यूनियन के साइड ज्वाइन किया है एंड किसने? बिल गेट ने। नेक्स्ट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये आखिरी के जो दो तीन क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये आप लिख सकते हो एक जगह टारगेट्स, बिकॉज देखो अब नोट्स की बात आती है ना कि जीए में हमें नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स देखो गाइस नहीं इम्पॉर्टेंट, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, बट कुछ चीजों के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है, क्योंकि हर मंथ में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। टारगेट्स आपके पास एक जगह लिखे होने चाहिए। आप क्या करो, स्टेट वाइज एक एक पन्ना छोड़ के बना लो। अब स्टेट से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, जब भी रिविजन करने बैठो उधर आप नोट करते जाओ, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पंजाब रिवाइज कर रहे हो, देन देख लिया कि यहाँ पूरा ये दिया है, तेलंगाना रिवाइज करो, देन देख लो यहाँ पर क्या क्या है। इसके बाद अब बहुत ज्यादा कोई चीज न्यूज में रहती, आरबीआई का एक अलग पेज बनाओ जिसमें सारी चीजें लिखो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट्स में बनानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? द सीमेंट मेकर हेजनबर्ग सीमेंट हैज प्लान टू टर्न इट्स फैक्ट्री इनटू वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बाय 2030। द फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो ये आपका स्वीडन में है, और जो फैक्ट्री है इसका नाम याद रखना, और ये जो इन्होंने दे रखा है कहाँ तक का है, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की घोषणा करी है इसने अपनी फैक्ट्री को, दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट में। तो अब इसको याद रखना है, बिकॉज ये दुनिया का पहला है, कब तक? 2030 तक, कहाँ की है? स्वीडन की। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और बाकी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये किसको मिला है प्राइज? डेविड डायो। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं जल्दी से बता दो मुझे, और इनकी जो बुक है आपकी क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। खतरनाक हॉरर सी लग रही है ना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हटाओ इसको, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। डेविड डायो वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ट्रांसलेशन फ्रिक्शन, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, द नॉवलिस्ट हिल्स फ्रॉम विच कंट्री। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपका? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बस ये तीन क्वेश्चन इससे बन सकते थे जो मैंने आपके इधर कवर करा दिया। ओके, अब इसका बताओ, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, NPCI, ठीक है? आप जानते हो आजकल कितना ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है और सब इसी की देन हो रहा है यहाँ पर। हैज पार्टनर्ड विद विच टर्की बेस्ड फर्म टू डेवलप सॉफ्ट पोज सॉल्यूशन फॉर इट्स कार्ड नेटवर्क रुपे। तो किसके साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है? पे कोर के साथ, NPCI ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बता दो इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है इस क्वेश्चन का, बता। यहाँ पर देखो आपके लिए तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। केरला रिटेन द टॉप पोजीशन इन द थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो SDG किसके द्वारा रिलीज करा जाता है? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 में जो आपका टॉप पोजिशन पर स्टेट रहा है वो कौन है? केरला। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जो सेकेंड प्लेस है इस पर दो आपके रहे हैं। ओके, और जो दो स्टेट आपके रहे हैं इनका नाम क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। बोर्ड BANC आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे लास्ट कौन रहा है इसमें SDG में, तो लास्ट आपका बिहार रहा है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है, फिर ये बनता है। और UT में पूछ ले कौन रहा है, तो ये है आपका चंडीगढ़। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ जल्दी से। ओके, और RBI के आप रेट सारे पढ़ लेना, ठीक है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स, और आपका CRR हो गया। CRR तो आपका 4% पर ही रह गया। ओके, और अगर हम आपकी आरबीआई की बात करें तो GDP ग्रोथ इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितनी बताई है? 9.5%। अभी पता नहीं कितनी है, अभी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वही सारी चीजें दी हैं कि स्कोर इन्होंने हिमाचल और तमिल एक साथ कितने पोजीशन पर रहे, यहाँ पर सेकंड प्लेस पर रहे, और लास्ट पर आपका बिहार रहा, झारखंड, मतलब सबसे लास्ट में बिहार रहा।
बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बोला है कि द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ पैनल ऑफ अ स्टेट मिनिस्टर टू एग्जामिन द वैल्यू एंड सर्विसेज बाय कैसिनोज ऑनलाइन गेमिंग फॉर जीएसटी। तो जो आपके क्लब बार होते हैं उनमें आप कैसिनोज देखते हो, ऑनलाइन गेमिंग होती है मॉल वॉल में, तो उन पर जो जीएसटी है उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में आपके 7 मेंबर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बाकी तो कुछ है नहीं ज्यादा। कन्वर्न बाय गुजरात डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल। चलो हटाओ इसको, इसका आंसर तो सबको पता होगा। विश्वीर आहूजा, इनको एमडी और सीईओ कहाँ का नियुक्ति किया गया है, तो ये आपके बने हैं आरबीएल बैंक के, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बिफोर आरबीएल आहूजा वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। अच्छी बैंक है थे पहले भी। मेजर डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर और इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि आजकल लोन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। एक और क्वेश्चन बता दो, एक योन टैब स्कीम करके आई है, ये किस लिए बनाई गई है ये बताओ मुझे, ठीक है। बनाई किसने है ये आप सबको पता होगी, पर इसका रीजन क्या है बनाने स्कीम का ये मुझे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विच द इंडिया टू अपग्रेड मेजर रोड डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम। तो ये आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बाकी योन टैब स्कीम जो है ये आपकी क्यों है बताएं। वर्ल्ड बैंक नहीं है बाबा, एशियन आपका डेवलपमेंट बैंक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। कहाँ पर हो, चलिए इसका आंसर होगा एडीबी। और योन टैब स्कीम जो है आपकी, पहली बात तो ये लद्दाख स्टेट की है, और ये इनकरेज करने के लिए है ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग को, इसलिए ये बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये देख लो लोन कितना दे रही है, ये 2.5 मिलियन का लोन दे रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। किसको दे रही है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है सिक्किम को, फॉर अपग्रेड मतलब कि अच्छा करने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती है, आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंदूज बेस्ट मेगा फूड पार्क, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज वर्चुअली इनोग्रेटेड द इंदूज बेस्ट मेगा फूड पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो पहली बात तो ये बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, ओके। इन्होंने इनोग्रेट किया है, किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या है आप बता सकते हो, और कहाँ पर किया है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हुआ, कोई यहाँ पर जाओ भाई, टाटा बाइबर, और कौन थे शिवानी के साथ, कौन था, अंकुर थे ना, चलो अभी मैंने देखा, आप लोग बता देते पहले, जाओ भाई, ठीक है। अपनी प्यार मोहब्बत अपनी पर्सनल चैट में करिए, यहाँ पर आपकी कोई सुन नहीं रहा, इसे बताओ। योन टैब योजना जो आपकी स्टार्ट करी गई है लद्दाख ने, ठीक है, डिजिटल सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को, कितने छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा, तो भाई ये मिलेगा 12,300 छात्रों को मिलेगा, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था ये उसी का आंसर है। और कहाँ से कहाँ तक के, 6 से 12 तक के। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th of June, विच कंट्री होस्टेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाली है क्लास, बस थोड़ी देर और बने रहो, मैं फिर खत्म कर दूंगी, ओके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, थीम मैंने आपको इसकी बता दी, होस्ट कब किया गया मतलब किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है 2021 में, तो यह है आपकी पाकिस्तान, आपका प्यारा पाकिस्तान। नेक्स्ट, अब इससे देखो, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये इंपॉर्टेंट बनता है अपने में क्या, ये 1974 में यहाँ पर बनाया गया था। द थीम ऑफ 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो लाइन यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट,
5 जून को आपका एक दिन और मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व ऑन 5 जून। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड इन विच ईयर, ये डे किस दिन? अरे मजाक कर रही हूँ, नींद खुल जाए इसलिए, मुझे पता है किसी का प्यारा नहीं है। 2017, ठीक है, तो ये जो डे है आपका घोषित करा गया था 2017 में, देख लो, ऐसा इतना है नहीं इम्पोर्टेंट ये। आगे देखो, आ गया ना बढ़िया क्वेश्चन, बताओ। एक बंदे ने रिटायरमेंट यहाँ पर अपनी अनाउंस करी थी, फीफा वर्ल्ड कप विनर सैमी खेडिरा रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट। द वर्ल्ड कप विनर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, ये कहाँ का है? ये है आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं, नाम याद रखिएगा, सैमी खेडिरा, फीफा वर्ल्ड कप, तो समझ ही गए होगे किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, बिल्कुल भाई, भारत तो बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के पूर्व बागवानी या हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र बरागटा पास्ड अवे, ही वॉज सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चीफ व्हिप हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये इतना मुझे नहीं लग रहा। आगे देखो, जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर जा रही हूँ वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको करवा रही हूँ। द यूनियन कैबिनेट हैज एश्योर्ड द सेफ पोर्टेबल टैप वाटर बाय 2022 इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के लिए यहाँ पर 2022 तक इनको क्या करना है, सुरक्षित पेयजल का आश्वासन दिया है। तो ये आपका जो टारगेट है, इसका पहले का लक्ष्य क्या था? पहले तो 2022, पहले क्या था, अब तो 2022 कर दिया, तो पहले इसका जो लक्ष्य था वो था 2024, मतलब वर्क इज गोइंग ऑन, काम आपका चल रहा है यहाँ पर। आगे देखो, बताइए जल्दी से। अच्छा, कोई बताएगा राबता मुहिम किसने चलाई है? कुछ तो है तुझसे राबता, याद आया? बताओ, राबता मुहिम किस सरकार ने यहाँ पर चलाई है? फटाफट इसका आंसर करिए, और किनके बीच चलाई है राबता स्कीम? ओके, पीएसयू हैज बिकम द अ सिग्नेटरी टू यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट टू बेटर डियर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंडा। हिंदी में देख लो, सार्वजनिक उपक्रम अपने जल और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करता बन गया है। कौन बन गया है भाई? ये बन गया है आपका एनटीपीसी। तो आपकी जो राबता मुहिम है ये चलाई है आपकी किसने? पंजाब सरकार ने, बिटवीन व्हाट, टीचर एंड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद महिंद्रा टेलीफोनिक्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी एयरपोर्ट सर्वेलांस रडार्स विद द मोनोपल्स सेकेंडरी सर्वेलांस रडार इंडिया फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कितने इसके अंडर आपके एयरपोर्ट सर्वेलांस रडार खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं 11। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला नहीं था, ये देख लो। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत ज्यादा सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिन पे ध्यान देने की जरूरत है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ओके, कोई बताएगा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिकॉज ये न्यूज में रहा था, इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज याद हो? बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस हॉल्टेड इट्स जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन विद माली अंटिल रिसीव्ड गारंटीज अबाउट अ रिटर्न टू सिविलियन रूल इन माली। नेम द कैपिटल सिटी ऑफ माली, तो कैपिटल सिटी ऑफ माली है आपकी बमाको। ओके, तो IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके एक मेंबर इलेक्ट हुए हैं इंडियन,
जो आपके इंडियन ओरिजिन के रहे हैं, तो ये कौन है? इनका नाम है आपका आरएस सोधी। तो ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये इसके मेंबर इलेक्ट हुए हैं। ओके, पहले इनसे भी एक इलेक्ट हो चुके हैं जिनका नाम है दिलीप रथ। तो ये दोनों नाम याद करने, ये प्रेजेंट के हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, ये है आपका ब्रुसेल्स में। ओके, और अगर हम नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड आपका जो इंडिया का है, इसकी बात करें, जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है बता सकता है? महिला है, इतना बता देती हूँ। एनडीडीबी के आपकी, बताओ जल्दी से। पीडीएफ आपका मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल @bankingsmartly, इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? तो इसके जो आपकी बनी है, ये तो पहले से ही बनी हुई है, एनडीडीबी की चेयरमैन आपकी है वर्षा जोशी, ठीक है? वर्षा जोशी। तो जोशी, सोधी, ये सब आपके डेयरी से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? बिकॉज इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वो हमारे कुछ जान पहचान के आदमी है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। गांधीनगर हेडक्वार्टर, बिल्कुल एनडीडीबी का है आपका गांधीनगर। वनीता, वनीता गुप्ता आपकी क्या बनी है? वो है आपकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, कहाँ की? यूएसए की। तो वो वहां के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका वनीता गुप्ता वाला। बाकी अरुण कुमार मिश्रा वाला जो मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आपका आर एस सोधी इम्पोर्टेंट है, आरबीएल बैंक से रिलेटेड बताया। विश्ववीर आहूजा जो आपके एमडी सीईओ बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। टीवी नरेंद्रन, इनका इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट, इसका बता दो। डॉक्टर पैट्रिक एमोट, पहले बात तो इनका नाम याद रखिए, हैज बीन इलेक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के इन जून। ही हैज टेकन ओवर होम ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हर्षवर्धन की जगह यहाँ पर आए हैं, पहली चीज तो ये। ओके, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किसकी जगह आए हैं, हर्षवर्धन की जगह। और ये कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल कॉन्टिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO till 2023। नेक्स्ट, NHPC has partnered with Rattle Hydro Electric Power for implementing this megawatt रतले प्रोजेक्ट। तो सॉरी, ये रतले प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है आपका? यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। तो कितने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में बनता है, और सबको ही पता होगा ये कितने का है, 850 मेगावाट। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। 850 है ना कि 650 है? 850 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और अगर ये पूछे कहाँ पर है आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, तो ये जम्मू कश्मीर का है। ओके, और कौन सी रिवर पे ये लोकेटेड है आपका? चेनाब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट, ये कहाँ की मूवी है बताइए? द फिल्म वाटर ब्यूरियल हैज बैग्ड द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड और एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। तो ये आपका एनवायरमेंट पे थी, नाम क्या है? वाटर ब्यूरियल। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द डार्क रिचुअल ऑफ अ लोकल ट्राइब ऑफ विच स्टेट। तो ये आपकी जो फिल्म है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? इन्होंने बोला है एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कहाँ की है भाई? ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वाटर ब्यूरियल 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में इस फिल्म को अवार्ड मिला था, किसमें? ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, याद रखिएगा। अब हितेंद्र दवे हैज अपॉइंटेड एमडी सीई ऑफ विच बैंक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द विच फॉलोइंग बैंक, बता दो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अच्छा, एक का नाम याद है, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने, बताओ इनके बारे में कुछ जानते हो? रंजीत सिंह दिशाले, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, ये अपॉइंटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बताओ। तो ये हितेंद्र दावे जो आपके बने हैं ये कहाँ के बने हैं? आपके HSBC बैंक के। ओके, तो HSBC आप जानते हैं, हांगकॉन्ग एंड संघाई कॉरपोरेशन बैंक है आपकी, ठीक है? तो इसके जो सीईओ आपके बने हैं इनका नाम क्या है? हितेंद्र दवे। और जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, रंजीत सिंह दिशाले, ये क्या है? आपके वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर है, आपके वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर। ओके, और इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 2021 से 2024 तक, जून ये बनेंगे। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके, एचएसबीसी का है तो ये भी पढ़ लेना, एक बार पूछ सकता है। इसको बताओ, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने टॉप किया है द चार्ट ऑफ द नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ 2019 to 20 रिलीज बाय सेंटर। द ग्रेडिंग इंडेक्स रैंक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी पैरामीटर्स। तो ये कितने पैरामीटर्स पर यहाँ पर वर्क करता है ये मुझे बता दीजिए। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर रंजीत सिंह, वेरी गुड, ठीक है। महाराष्ट्र के टीचर हैं ये, इनको पहले अवार्ड भी मिला हुआ है, आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने पहले करंट अफेयर्स पढ़ा होगा जून जुलाई में, बिकॉज जब जनवरी में जब एग्जाम हुए थे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। ओके, तो इसका आंसर होगा ये अपने के कितने पैरामीटर पे है जिसमें पंजाब ने आपका ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया है, ये 70 पैरामीटर्स में यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो ये परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, इसके बारे में दिया भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। निशांक, रिसेंटली अप्रूव्ड। ओके, तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसे बताओ, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा ये आपका, और कहाँ पर लोकेटेड है ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो आपसे इनमें से पूछ ले एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो भाई अगर वो न्यूज में रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। विजय गोखले की एक बुक है जिसका नाम बताइए। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, बता सकते हो इसका ऑथर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अचीव्ड नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पार्ट ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है आपका वो क्या, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिचुएटेड है आपका बेंगलुरु। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है, याद रखिएगा। क्या पूछा है इन्होंने, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस जो है जिसने अचीव किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में एज पार्ट ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी गोल्स, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल। और द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर ये किसकी है, राहुल पंडिता ने ये यहाँ पर लिखी हुई है, राहुल पंडिता। ओके, वाटर ब्यूरो के मेरे बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, देख लो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, ठीक है, अब एक पायलट योजना आपकी हुई, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने एथेनॉल वितरण स्टेशन, मतलब कि एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन यहाँ पर लॉन्च किए हैं, बता दीजिए। परफॉर्मेंस के ग्रेडिंग इंडेक्स वाला जो मैंने क्वेश्चन बोला था उसमें पंजाब आपका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड आपका चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु, इस तरह सो ऑन आपके दिए हुए हैं, अंडमान निकोबार भी है। हाउ मैनी एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन, तो ये हैं आपके 3। लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, बताओ जल्दी से, बाकी कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो मैं बता देती हूँ आपको। एक एक्ट था ईगल एक्ट, ओके, तो ईगल एक्ट 2021 किस कंट्री ने पास किया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, संजीव नंदन सहाय हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ही इज प्रीवियसली सर्व्ड एज, तो ये आपके पहले थे पावर सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ईगल एक्ट 2021 ये पास किया है आपका किसने, यूनाइटेड स्टेट ने, ठीक है। यूएई है कि यूएसए है, एक बार कंफर्म करके बताओ, यूएसए है, ठीक है, यूएसए है इसका आंसर। और एक क्वेश्चन और है कि टियानेनमेन स्क्वायर द मेकिंग प्रोटेस्ट ये किसकी बुक है।
टीएनएन स्क्वायर द मेकिंग प्रोटेस्ट, ये आपकी जो बुक है ये आपकी किसने लिखी है जल्दी से बता दीजिए। सब ONGC, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक दूसरे का आंसर करो मजे में। ओके कोई नहीं, होता है ठीक है, मेरे साथ भी होता था। विजय गोखले, बट आना चाहिए, गलतियां चाहे जितनी करो बट लास्ट टाइम जब रियल एग्जाम हो तब वहां गलतियां ना हो। तो ये इसके ऑथर है आपके विजय गोखले, आंसर होगा वहां पर आपका यूएसए। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन छूटता है मैं बता देती हूँ आपको। टू कैंपेन आपके लॉन्च करे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अलोंग विद UNEP। ओके, तो आप जानते हैं UNEP एनवायरमेंट वाला आपका, तो यहाँ पर आपका क्या था, टू कैंपेन जो थे उनके नाम आप याद रख लेना क्या, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर जो करे गए थे। एक का था नॉट योर मेडिसिन, अजीब से नेम है नॉट योर मेडिसिन, और सेकेंड वन इज सैड इमोजीज, सैड इमोजीज। ओके, तो ये चीजें हैं जो छूट रही हैं वो मैं बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट जो मतलब मेरे पर्सनल नोट्स में से है। और परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स वाला इम्पोर्टेंट है वो आप कर ही चुके हो। इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में जो आपके सेलेक्ट हुए हैं इंडिया से RS सोधी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आपको RBI के सारे रेट्स याद रखने हैं, राबता मुहिम आपकी पंजाब सरकार ने चलाई थी। ठीक है, अब नैनो फाइबर बेस्ड जो आपका ओरल टैबलेट थी वो किसके द्वारा यहाँ पर करी गई थी, IIT हैदराबाद, ये मैंने बताया है कि नहीं आपको बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया डिफेंस से रिलेटेड, वो सुन लो क्या, कि अब इसमें जो है आपका इंडियन नेवी को एक वो क्या कहते हैं उसको यार, मेगा प्रोजेक्ट एक यहाँ पर आपका क्लियर किया है। ठीक है, डोमेस्टिकली बिल्ड 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए, जिसके लिए डिफेंस इसको प्रोवाइड करेगी कितना पैसा, 43,000 आपका करोड़ में ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, और एक चीज आती है क्या, अनुराग सिंह ठाकुर यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने 6 मॉड्यूल्स ऑफ शॉर्ट फिल्म यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो क्या नाम इसका रखा गया है यहाँ पर, इसका नाम है हिसाब की किताब। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका हो गया, इन्होंने परमिशन दी है गुजरात आपका जो स्टेट है इसको किसके लिए, विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इस प्रोजेक्ट पर जो भी होगा अपना काम कर सकते हैं, तो NGT से इसको परमिशन यहाँ पर मिल गई है। बाकी यौन टैब स्कीम के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर लॉन्च किया है क्या, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए एक मिनी किट लॉन्च करी है जिसका नाम है सीड मिनी किट। तो इसका नाम भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। बाकी सारी चीजें हम लोग ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट कवर कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ रह जाएगा देन हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसकी बात कर लेंगे, डोंट वरी। और नासा के 2 मिशन हैं जिनको आप याद रखिएगा, किसके लिए है, वेनस के लिए है आपका, शुक्र के लिए। तो इंडिया का तो मिशन है शुक्र के लिए शुक्रयान, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी नासा के जो हैं शुक्र मतलब कि वेनस ग्रह के लिए जो आपके मिशन है, इनके नाम है डेविंकी एंड वेरिटास। ओके, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, डेविंकी एंड वेरिटास, इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई जो आपको, बाकी ADB ने 2.5 मिलियन दिया है आपका सिक्किम को रोड्स के लिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अर्जेंटीना और इंडिया का MOU साइन हुआ है मिनरल एंड रिसोर्सेस के फील्ड में, ये आपको याद रखना है। कोपा अमेरिका की इस बार मेजबानी फिर से ब्राजील करने वाला है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको आना चाहिए। INS संधायक, 40 साल इसने वर्क किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डीकमीशन हुआ है INS आपका सांध्यक। ओके, तो ये आपका 40 साल वर्क करके डीकमीशन हो गया, और कहाँ पर हुआ है, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ऑल्सो INS राजपूत भी आपका इससे पहले हो चुका है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे जिनको हम लोग यहाँ पर करने वाले थे। इसाक हर्जेग आपके 11th प्रेसिडेंट बने हैं, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड डायोप जिन्होंने विन किया है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, साथ में इनकी बुक का नेम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। एमबी टैग को बस रोपर के नाम से याद रखिए, जहां पर एमबी टैग दिखे मतलब IIT रोपर। तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको सब बता दी।
अडार पूना वाला, एक न्यूज छूट गई, अडार पूना वाला, तो इनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ये चेयरमैन बन गए हैं एक एनबीएफसी है उसके, तो इस एनबीएफसी का नाम है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, तो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के ये यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, एंड करते हैं क्लास को गाइस, ठीक है। मेरा भी गला सूख गया, मैंने डिनर भी नहीं किया हुआ है, तो बस चलते हैं। और एक क्वेश्चन छूटा हुआ है जिसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती थी, बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है वो ऐसे क्वेश्चंस डिटेल में, कि आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के बारे में। ओके, ये आपका प्रोग्राम है जिसमें आपका फर्स्ट पायलट फेज के लिए कितने क्लस्टर यहाँ पर आपके चूज किए गए हैं, 12, और टोटल हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के बारे में पूछे तो ये हैं आपके 53। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपकी, अगर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम उसमें इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज और, फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट। छोटी छोटी चीजें हैं तो ध्यान रखना। लिटोरिया मीरा आपकी एक तरह का क्या है, फ्रॉग है, मेढक है, जिसको हम लोग चॉकलेट फ्रॉग के नाम से जानते हैं, और ये आपका डिस्कवर किया गया है न्यू गिनी में। ओके, ये आपका न्यू गिनी में यहाँ पर किया गया है, समझ में आया, ठीक है। तो चलो क्लास को एंड करते हैं, अगर सेशन पसंद आया हो, मैंने अपनी तरफ से आपको चीजें करवाई, देखो क्वेश्चंस बहुत थे नो डाउट, ओके, बट मैंने आपको सेलेक्ट करके भी बताया कि क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आप टेलीग्राम पर जाओगे, आपके पास पीडीएफ्स की कमी नहीं है, आपको मिलेगा, बट हमें कहा क्या क्या चीजें उठाकर अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़नी है, जो कि करनी करनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक मैंने आपको जीएसटी वाली एक न्यूज बताई, कोनराड के संगमा, ये आपके कमिटी के हेड बने हैं, कौन सी कमिटी के, जो जीएसटी आपका एग्जामिन करनी है, किस पर, जो कोविड की चीजें हैं लाइक सैनिटाइजर हो गया आपका, वेंटिलेटर्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन पर हमें कितनी जीएसटी सेट करनी है एग्जामिन करने के लिए, ये पूरी कमेटी बनाई गई थी। तो छोटी छोटी बातें हमने सारी कर ली, अब चलते हैं, एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाकी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप @bankingsmartly फॉर PDF, कल मैं दे दूंगी, आज मेरा लैपटॉप, मैं आज ही दे देती सारी, बट लैपटॉप में थोड़ी गड़बड़ है, पीडीएफ फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, कल सारी मिल जाएंगी। गुड नाइट।